डीजेनरेट ट्री, डीजेनरेट ट्री क्या होता है? जहाँ पे हर पेरेंट नोड का सिर्फ एक चाइल्ड होता है, सही है? अब वो इस तरह से भी उसकी शेप आ सकती है, इस तरह से भी आ सकती है, और डी और ये जो है एक बाइनरी ट्री नहीं होता, ठीक है? बाइनरी ट्री नहीं होता, और इसको कहते हैं कि ये बिहेव करता है एक लिंक्ड डेटा स्ट्रक्चर की तरह भी। चाहिए साइज के बारे में वही लिखा हुआ है कि ये इसमें लेवल्स होती हैं और लेवल्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है बाइनरी ट्री। एक अच्छा, डेप्थ में कह रहे हैं कि डेप्थ में होता है कि किसी भी एक नोड की डेप्थ को जानना, तो वो बेसिकली लेवल से ही बताते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो जी है अल्फाबेट, सही है, इसकी हमें डेप्थ मालूम करनी है, तो ग्राफ ए में जो है वो इसकी डेप्थ 2 आएगी क्योंकि लेवल 2 पर है, ग्राफ बी में लेवल जो है वो 3 आएगी क्योंकि ये इस लेवल पर है, और सी में जो है इसकी डेप्थ आएगी 6 क्योंकि ये लेवल 6 पर है, तो ये इसका डेप्थ पे लिखा हुआ है। ओके अच्छा, रिकर्सिव का मतलब क्या होता है कि हमारा एक जो ट्री होता है उस ट्री का जो टॉप मोस्ट नोड होता है वो कहलाता है आपका रूट नोड। अगर उस ट्री में जो है वो मल्टीपल नोड्स हैं, अगर उस मल्टीपल नोड से हम जो है वो और सब ट्रीज निकाल लें और हर सब ट्री का एक रूट होगा, सही है, रूट नोड होगा, और फिर उस सब ट्री से भी सब ट्री निकल सकता है, तो ये आपका कहलाता है रिकर्सिव स्ट्रक्चर, ठीक है? कि सब ट्री से सब ट्रीज निकले जा रहे हैं, सब ट्री से सब ट्रीज निकले जा रहे हैं, तो ये बन गया रिकर्सिव स्ट्रक्चर, जहाँ एक तो मेन रूट नोड हो जाता है, फिर जब आपके जितने सब ट्रीज निकलते जाते हैं उतने और ज्यादा रूट नोड बनते जाते हैं उस पर्टिकुलर ट्री का, सब ट्री का। अच्छा, इसमें बताया हुआ है बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, तो ये बताया हुआ है, ठीक है? ये एलिमेंट है, ये उसका प्रीवियस जाने का है, ये उसका नेक्स्ट जाने का है, और इस तरह से लिंक लिस्ट से इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। अच्छा, लिंक लिस्ट में जो है वो एक होता है नेक्स्ट और प्रीवियस जाने का, तो इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस नहीं, इसमें लेफ्ट और राइट पॉइंटर होता है, सही है? ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, यानी कि इसके लेफ्ट पे जाना है या इसके राइट पे जाना है। जैसे हम बाइनरी ट्री की भी बात करे थे, तो अगर उसके दो चिल्ड्रन होते हैं तो या वो लेफ्ट पर होता है या वो राइट पर होता है, ठीक है? और बताया हुआ है कि नेस्टेड लिस्ट से हो सकता है, नेस्टेड लिस्ट यानी कि ये पाइथन की, पाइथन में जो लिस्ट एक डेटा टाइप होती है उसके थ्रू, और यूजिंग फ्लैट 1D 1D लिस्ट से हो सकता है, और ये सब। अच्छा, वो इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे हो सकती है। फिर आता है बाइनरी सर्च ट्री, अच्छा बाइनरी सर्च ट्री, सर्च से मुराद सर्चिंग आ रही होगी दिमाग में, ठीक है? सर्चिंग से हमें ने एक दो एल्गोरिथम्स भी बनाए थे, लीनियर सर्च बाइनरी सर्च, वो दोनों क्या काम करते हैं? सर्चिंग का काम करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू जो है वो सर्चिंग बहुत आसान हो जाती है, और ये होता कैसे है? बाइनरी सब ट्री में भी 0 या 2 चाइल्ड होते हैं। अच्छा,
बाइनरी सब ट्री की। हाँ याद है। अच्छा बाइनरी सब ट्री में क्या होता है? सही से कोई तस्वीर है नहीं, तो आप इस वाली तस्वीर को देख लें। बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, ये आ गया इसका रूट नोड। ठीक है, इसके दो चाइल्ड है, एक आ गया ई, एक आ गया एक्स। ठीक है, अब इसको किस तरह से ऑर्डर किया हुआ है? ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री में जब आप कोई नोड इंसर्ट करते हैं तो उसकी इंसर्शन की जो है वो एक लॉजिक होती है। ठीक है, तो लॉजिक कैसे होती है कि लेफ्ट साइड पे आप वो वाले नोड्स इंसर्ट करते हैं जो करंट नोड से लेस देन होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप वो वाले नोड्स ऐड करते हैं जो करंट नोड से लेस देन होते हैं, जैसे कि एस से छोटा होता है ई, और जो एक्स है वो एस के बड़ा होता है। बड़ा छोटा इस तरह से किया हुआ है कि ई पहले आता है, फिर एस आता है, फिर एक्स आता है। तो राइट साइड पे हम वो वाले नोड्स रखते हैं जो कि करंट नोड से ग्रेटर देन होते हैं। सही है, जैसे कि अगर हम नंबर की ले लें तो यहाँ एस की जगह जो है वो नंबर 10 है और हमें इंसर्ट करना है नंबर 5, तो नंबर 5 जो है वो 10 से लेस देन होता है, तो हम यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे। और नंबर जो 12 अगर हमें इंसर्ट करना है तो वो हम इसके राइट पे करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब अल्फाबेट को ही लेके चलते हैं। एस हो गया, ठीक है, एस से ई पहले आता था तो ई लेफ्ट पे चला गया, एक्स बाद में आता था तो एक्स इधर चला गया। अब हमारे पास आता है ए, तो ए क्या है? ए एस से छोटा है, ए एस से छोटा है, तो यानी कि इसके लेफ्ट पे चला गया, लेफ्ट पे हमारे पास ई आ गया। अब ए जो है वो ई से भी छोटा है, तो ई भी, ए जो है वो ई के भी लेफ्ट पे आ गया। अब आर देखेंगे तो आर क्या है? आर एस से छोटा है, तो आर जो है वो गया लेफ्ट साइड पे। फिर हम ई पे दोबारा जाएंगे, ई से आर बड़ा है तो ये आ गया राइट साइड पे। अब हमें ऐड करना है सी, सी एस से छोटा है तो ई पे आया, ई से सॉरी ई से भी छोटा है तो वो ए पे आया, ए से बड़ा है तो ए के राइट साइड पे आ गया सी। इसी तरह से एच एम ये सारे ऐड कर दिया। सही है, अब बता रहे हैं कि बाइनरी सर्च में हम सर्चिंग करते कैसे हैं। ठीक है, बाइनरी ट्री में सर्चिंग करना इसलिए आसान हो जाती है कि फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है सर्च नंबर फॉर एक्स से आर, आर को हमें सर्च करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एस, एस से कंपेयर करेंगे, आर जो है वो एस से छोटा है या बड़ा है। आर जो है वो एस से छोटा है तो इस वाली साइड को टोटली इग्नोर कर देंगे क्योंकि एस से छोटा है वो। हम आ गए यहाँ पे, ठीक है, इस वाली जगह को टोटली इग्नोर कर दिया, ये पूरी ही जगह को किया एस को भी मिला के। ये वाली तस्वीर है ना, सॉरी तस्वीर को देख लेते हैं डायरेक्ट, ये तस्वीर आ रही है। तो इस तस्वीर पे रूट को और एक्स को इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें पता है कि वो एस से छोटा है। अब इस जगह पर आए तो पता लगा कि जो ई है वो, आर जो है वो ई से बड़ा है, तो फिर ई ए सी इन सब पूरी जगह को इग्नोर कर दिया। यहाँ पर आगे इसके ग्रेटर देन साइड पे, अब जब ग्रेटर देन की साइड को जब कंपेयर किया आर से तो हमें हमारा आर मिल गया और फिर एच और एम को नहीं देखा। ठीक है, अब जब इस वाली सर्चिंग को देखा तो बाइनरी सर्च याद आ गई। हमने दो तरह की सर्चिंग पढ़ी थी, लीनियर और बाइनरी। लीनियर सर्च क्या करता था कि वो पूरी लिस्ट को जो है वन बाय वन जो है कंपेयर करता था, वन बाय वन कंपेयर करके जब उसको नंबर मिल जाता था वो उसको रिटर्न करवा देता था, नहीं मिलता था वो एंड तक कंपेयर करता रहता था और फिर नहीं मिला नॉन कर दिया। बाइनरी सर्च जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर का काम करता है, तो वो बाइनरी सर्च और ये बाइनरी सर्च ट्री, फर्क इतना है कि वो उस फॉर्म में था, ये ट्री के फॉर्म में है, लेकिन है दोनों सेम, नाम भी सेम है बाइनरी सर्च। तो ये आपकी होती है बाइनरी सर्च। अब होती है बाइनरी सर्च ट्रैवर्सल। ठीक है, ट्रैवर्सल एक प्रोसेस है जहाँ पे हम सारे नोड्स को विजिट करते हैं ट्री में।
ठीक है, सिंस अ ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देयर इज नो यूनिक ट्रेवर्सल। ट्री हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कोई यूनिक ट्रेवर्सल नहीं होती। इस वाले टॉपिक को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ज्यादा गौर से, ये वाला लाजमी आएगा, गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन लाजमी आएगा। सही है, दो तरह की ट्रेवर्सल होती है, एक होती है डेप्थ फर्स्ट, एक होती है ब्रेथ फर्स्ट। डेप्थ का मतलब क्या है, एक चीज की डेप्थ में जाना, ठीक है, बिल्कुल डीप में जाना। तो अब डेप्थ फर्स्ट क्या होती हैं, वो तीन टाइप के ट्रेवल्सर्स होती हैं, एक होती है प्री ऑर्डर, एक होती है इन ऑर्डर, एक होती है पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर जो होती है वो सबसे पहले जो है उसमें वो पेरेंट नोड को विजिट करता है। सही है, अभी जब मैं बोल रही हूँ ना तो आपको समझ नहीं आएगा, जब हम इस कोई एक वो देखेंगे, पिक्चर से देखे करेंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा, लेकिन अभी सुनना लाजमी है। प्री ऑर्डर में जो है वो सबसे पहले पेरेंट को विजिट करता है, फिर उसके लेफ्ट को विजिट करता है, उसके लेफ्ट पे जो भी नोड होता है उसको विजिट करता है, लेफ्ट पे विजिट करने के बाद राइट पे करता है। ठीक है, प्री ऑर्डर में पेरेंट पहले आता है, फिर लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है। इन ऑर्डर है तो इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट पे जाते हैं, फिर पेरेंट पे जाते हैं, फिर राइट पे जाते हैं। पोस्ट ऑर्डर है तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट को देखते हैं, फिर राइट को देखते हैं, फिर पेरेंट को देखते हैं। ठीक है, अब इसकी देखते हैं विजुअल। सही है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं प्री ऑर्डर। इस ग्राफ का प्री ऑर्डर क्या है, सही है, प्री ऑर्डर क्या था हमारा, सबसे पहले पेरेंट को विजिट करता है, फिर लेफ्ट पे जाता है, फिर राइट पे जाता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पेरेंट क्या है, एट, तो ये आ गया एट, फिर लेफ्ट पे जाता है, ये आ गया लेफ्ट, तो यहाँ पे आ गया फाइव, लेफ्ट पे आ गया, फिर इसके भी लेफ्ट पे जाएगा। सही है, सारे लेफ्ट पे जाता रहेगा, ये सारे लेफ्ट पे जाता रहेगा, तो ये आ गया लेफ्ट पे, ये आ गया आपका नाइन। अब जब और कोई यहाँ पे लेफ्ट नहीं बचा तो अब वो जाएगा राइट में, इसका तो नाइन का भी कोई राइट नहीं है, अब ये जाएगा दोबारा फाइव में, फिर जाएगा फाइव के राइट में, तो राइट में क्या आ गया हमारा, आ गया नंबर सेवन, ये हो गया सेवन। इसको बहुत गौर से सुनिएगा, ये लाजमी सवाल आएगा। फिर इस सेवन के लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने जब यहाँ से लेफ्ट खत्म हो गया हम राइट पर आ गए तो अब ये राइट पे ही स्टिक करेगा, नहीं, राइट पर आ गए फिर उस राइट का लेफ्ट है तो वो लेफ्ट पे ही जाएगा। ठीक है, अब इसको एक तरह से ये भी देखें कि अगर ये जो सेवन है, ये सेवन इन दोनों का पेरेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले पेरेंट पे जाते हैं, फिर लेफ्ट पे जाते हैं, फिर राइट पे जाते हैं, तो ये एक पेरेंट हो गया। अब हम इसके जाएंगे लेफ्ट पे, लेफ्ट क्या आ गया वन, तो यहाँ पे आ गया वन। ठीक है, फिर वन के बाद कोई लेफ्ट नहीं है, ना ही इसका कोई राइट है, अब हम जाएंगे ऊपर और इसके दोबारा से जाएंगे राइट पे, राइट पे आ गया ट्वेल्व, हमने यहाँ पे लिख दिया ट्वेल्व, फिर इसके लेफ्ट में आए जो कि हो गया टू, तो टू आ गया। अब फर्दर कोई इसका राइट या लेफ्ट नहीं है, दोबारा ट्वेल्थ में गए, ट्वेल्थ का कोई राइट नहीं है, दोबारा सेवन पे गए, फाइव पे गए, अब आगे हम एट पे। सवाल इस तरीके से आ सकता है कि टीचर कहेंगी, उन्होंने एक ट्री दे दिया और ट्री का कह दिया इसके डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल और ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल करो। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट में हमारे दो आ जाते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और डेप्थ ब्रेथ फर्स्ट में हमारा आ जाता है लेवल ऑर्डर। ठीक है, तो अभी हम डेप्थ फर्स्ट कर रहे हैं, तो डेप्थ फर्स्ट जिस तरह से ये कर रहे हैं ना, इसमें बहुत देखना पड़ता है, तो ये बहुत दिमाग लगाने का होता है, दिमाग का मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चन, तो ये तो लाजमी है, पक्का पक्का आएगा। टीचर थोड़ा ज्यादा बड़ा ट्री बना देंगी या इसी तरह का ट्री बना, इसी तरह का भी ट्री हो ना तो टाइम लगता है करने में, जैसे अगर याद हो तो हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर था आईसीएस टू, उसमें भी ये वाला सवाल आया था। अच्छा, अब जब यहाँ पे फर्दर कोई लेफ्ट राइट नहीं था, अब ये सबसे मेन पेरेंट पे गया क्योंकि इसके हम अभी तक लेफ्ट पे ही थे, इसके राइट पे नहीं गए, अब ये इसके राइट पे गया, फोर लिखा, फिर इसके राइट लेफ्ट पे कुछ था नहीं तो ये राइट पे चला गया जिसपे इलेवन लिखा, फिर फर्दर कोई सॉरी इसका लेफ्ट आ गया थ्री आ गया,
फिर इसका लेफ्ट राइट नहीं है, तो ये हमारी पूरा बन गया प्री ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा पूरा आ गया प्री ऑर्डर। यहाँ पे किसी को कोई मसला है, मसला है तो पूछ लें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, अब आते हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का क्या रूल था? लेफ्ट पेरेंट राइट, यानी सबसे पहले हम लेफ्ट पे जाएंगे, फिर पेरेंट पे जाएंगे, फिर राइट पे जाएंगे। अब लेफ्ट का मतलब ये नहीं है कि जैसे ये 8 पेरेंट है तो इसका जो लेफ्ट है वो 5 है, नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल लेफ्ट पे जाएगा, यानी ये 8 है तो इसका लेफ्ट, फिर ये 5 आया इसका लेफ्ट, 9 आया इसका लेफ्ट। 9 का कोई लेफ्ट नहीं था, सही है, यहाँ पे कोई लेफ्ट नहीं था, तो इसने इसी 9 को फिर लिख दिया, जो कि ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर फिर क्या होता है? पेरेंट होता है, सबसे पहले लेफ्ट होता है, फिर पेरेंट होता है, फिर राइट होता है। अब जब ये ऊपर गया तो ये क्या है? ये इसका पेरेंट है, तो फिर लिख दिया पेरेंट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डेप्थ फर्स्ट गिवन हो और उसका ट्री बनाया जाए, पॉसिबल है, लेकिन ऐसे सवाल आते नहीं है, मैंने तो आज तक कभी ऐसा कोई सवाल देखा नहीं है। टीचर ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि उन्होंने जो पढ़ाया है वो वही देंगी, उससे हटके कुछ नहीं देंगी, तो ट्रैवर्स ही सही है, जो कि डेप्थ फर्स्ट में ये तीनों आ रही हैं, तो वो इसी तरह से देंगी, ट्री बनाएंगी और ट्री पे हमें फिर ये सारे ऑर्डर निकालने होंगे, तो इस पे टेंशन मत लें, इसी तरह की शेप में आएगा। अच्छा, लेफ्ट लिख दिया, इसका पेरेंट लिख दिया, अब इसके हम जाएंगे राइट पे। ठीक है, अब राइट का भी लेफ्ट आ रहा है, तो हम फौरन से ये राइट वाला नहीं लिख देंगे, हम पहले इसके लेफ्ट पे जाएंगे। लेफ्ट पे गए, 1 लिखा, फिर इसके पेरेंट पे आए, 7 लिखा, फिर इसके राइट पे गए, तो राइट पे फिर लेफ्ट आ गया। ठीक है, तो ये लिखा, फिर 12 लिखा, एंड बस। अब फिर हम ऊपर दोबारा ये 8 पे गए। अच्छा, अब लिखेंगे इस पूरे के बाद 8, क्यों? क्योंकि ये इन सब का पेरेंट है 8। फिर इसके राइट पे आए। अच्छा, अब ये पूरी इस तरह से भी इस डायग्राम को देखें, ये जो है ये पूरा लेफ्ट आ गया, ये जो है पेरेंट आ गया, और ये जो है राइट आ गया। सही है, सबसे पहले लेफ्ट को किया विजिट, और फिर उसमें से भी जो लेफ्ट राइट निकल रहे थे, फिर उनको विजिट करते 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 हमने ये पूरा इन ऑर्डर बना दिया। प्री ऑर्डर में सबसे पहले पेरेंट को विजिट करते हैं, फिर लेफ्ट को करते हैं, फिर राइट को करते हैं। इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट को करते हैं, फिर पेरेंट को करते हैं, फिर राइट को करते हैं। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट को करते हैं, फिर राइट को करते हैं, फिर पेरेंट को करते हैं। सही है, अब इसमें भी सबसे पहले हम जाएंगे लेफ्ट पे, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट। इस पे फर्दर कोई लेफ्ट नहीं था तो हमने 9 लिख दिया। ठीक है, अब इसका ये पेरेंट है 5, लेकिन हम 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट लिखते हैं, फिर राइट लिखते हैं, फिर पेरेंट लिखते हैं। तो इसके राइट में आए, 7 था, 7 के लेफ्ट में गए, 1 आ गया। तो सबसे पहले क्या लिखा? 9 लिखा, फिर 1 लिखा, लाइन लिख दिया, 1 लिख दिया। फिर बैक पे गए, इसके राइट पे गए, इसके लेफ्ट पर आए, तो क्या था? 2, 2 लिख दिया। अब गए, इसका कोई राइट नहीं था तो इसलिए अब हम आगे पेरेंट पे, तो अब हम लिखेंगे पेरेंट जो के 12 है। ठीक है, फिर इसके पेरेंट पे आ जाएंगे जो के 7 है, फिर इसके पेरेंट पे आ जाएंगे जो के 5 है, फिर इसके पेरेंट पे आ जाएंगे, सॉरी, इसके पेरेंट पे नहीं आएंगे अभी। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सबसे पहले लेफ्ट को देखेंगे, फिर राइट को देखेंगे। इनकी जगहों पे जैसे 12 की जगह पे कोई राइट नहीं था, तो इसलिए 12 डायरेक्ट लिख दिया। इसके पेरेंट पे क्योंकि हम ऑलरेडी राइट पे थे, फिर इसके पेरेंट को लिख दिया। अब 8 जो है ना, 8 को हम डायरेक्ट लिखते थे अगर इसकी ये वाली साइड नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसकी ये वाली साइड है तो हम 8 को भी नहीं लिखेंगे। इसके हम जाएंगे राइट पे, 4 आ गया, फिर इसकी राइट पे जाएंगे, 11
11 आ गया जो कि हम अभी नहीं लिख रहे, लेफ्ट पर आ गया 3। 3 हमने लिखा, फिर ऊपर जाएंगे पेरेंट लिख दिया 11, फिर ऊपर जाएंगे 4 लिख दिया, फिर सबसे ऊपर जाएंगे तो ये 8 लिख दिया। ये इसकी हो गई ट्रेवर्सल, सही है। अच्छा अब आता है लास्ट में ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट में बेसिकली क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप होती है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसमें क्या होता है, ये नोट्स को विजिट करता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट से राइट तक, सही है, टॉप टू बॉटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही है। तो देखा जाए तो ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा आसान है। क्यों आसान है, हमने स्टार्ट किया, हमारी पहली लेवल क्या थी, 0, और इस लेवल पे कौन सा नोड है, 8, 8 हमने लिख दिया। फिर हम आए दूसरी लेवल पे, लेफ्ट टू राइट चलना है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट पे क्या था, 5, 5 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। फिर इसकी दूसरी लेवल पे आ गए, दूसरी लेवल पे लेफ्ट क्या है, 9, फिर 7, फिर 11 लिख दिया। फिर तीसरी लेवल आए, 1, 12, 3, फिर लास्ट लेवल आए 2। ठीक है, तो ब्रेथ फर्स्ट इस तरह से काम करता है। इसको लाजमी रट लें, लाजमी रटें और इसकी प्रैक्टिस करें, ये सबसे ज्यादा आएगा ये वाला सवाल। 4 नंबर का सवाल है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ही बड़ा देंगे टीचर, तो इस तरह से हो सकता है कि वो डेप्थ फर्स्ट दे दें सिर्फ, या डेप्थ फर्स्ट के साथ ब्रेथ फर्स्ट भी दे दें। ब्रेथ फर्स्ट वैसे भी बहुत आसान है, हो सकता है वो डेप्थ फर्स्ट की कोई एक टाइप दे दें, जैसे इन ऑर्डर दे दिया और ब्रेथ फर्स्ट लेवल ऑर्डर दे दिया, तो इस तरह से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो है वो पाइथन पे इसकी कोडिंग करके दिखाई हुई है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। मैं कोडिंग वाला पार्ट नहीं करवाऊंगी, मेरी खुद की कोडिंग इतनी अच्छी है नहीं कि मैं किसी और को कोडिंग करवा पाऊँ। ठीक है, अच्छा एक मैं सजेशन दूंगी, वो ये कि जब टीचर पढ़ाती है ना, तो वो पढ़ाते पढ़ाते जो है जावा लैंग्वेज का जिक्र नहीं करती हैं, वो पाइथन लैंग्वेज का ज़्यादा जिक्र करती हैं। तो अगर आपको पाइथन में कोड लिखना हो, जैसे टीचर ने बताया था, वो 2 सवाल आएंगे लैब के प्रोग्रामिंग के, उसमें आपकी प्रोग्रामिंग की ग्रामर के पूरे मार्क्स होंगे, उसके सिंटैक्स के, उसकी सिमेंटिक्स के। तो अगर आप पाइथन पे कोड लिखें, तो पाइथन पे तभी कोड लिखना जब पूरा अच्छे से आता हो, वैसे मत लिखना। पता है क्यों, क्योंकि टीचर को पाइथन बहुत अच्छी आती है, अगर आप कोई मिस्टेक करोगे ना पकड़ी जाएगी। अगर आप दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, जैसे जावा, सी, C++, तो इसमें अगर कोई मिस्टेक करते हो ना, वो पकड़ी नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि टीचर को ये सारी लैंग्वेजेस नहीं आती, मतलब उन्हें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है लेकिन लैंग्वेज नहीं आती, तो सिंटेक्स का डिफरेंस आ जाता है। तो ये ट्रिक जहन में रखना, अच्छे प्रोग्रामिंग हो जाएगी। एंड दैट्स इट, ट्रीज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रीज की टाइप आती हैं, एक जैसे हमने बाइनरी ट्री पढ़ा है, वैसे एक AVL ट्री है। AVL ट्री, अच्छा AVL ट्री जो है वो ट्री की टाइप है, और ट्री के अलावा वो एक बाइनरी सर्च की टाइप है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि AVL ट्री जो है वो एक बाइनरी सर्च ट्री है। इसका नाम AVL क्यों है, AVL इसलिए है कि इसके क्रिएटर्स इन्वेंटर्स के नाम पे रखा गया है, एडिलसन, वेल्सकी एंड लैंडिस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है ट्रीज को जो है ये बैलेंस करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे BST का लिखा हुआ है कि BST क्या होता है, BST में ट्री में एक रूट नोड होता है। ठीक है, वो तो एक लाजमी सी बात है, हर ट्री में एक रूट नोड होता है, अगर रूट नोड नहीं है तो वो ट्री ही नहीं है। ट्री नहीं है तो वो बाइनरी सर्च ट्री भी नहीं हुआ, ना ही AVL ट्री हुआ, सही है। सबसे टॉपिक रूट नोड होता है, रूट नोड के जो है वो 0, 1 या 2 चाइल्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारी बाइनरी ट्री की वो थी, एप्लीकेशन थी, कि या 0 हो या 1 हो या 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो चिल्ड्रन।
ठीक है, ईच नोड हैज़ 0, 1 और 2 चिल्ड्रन, ईच नोड हैज़ अप टू 2 चिल्ड्रन, यानी मैक्सिमम 2 हों, 2 से ज़्यादा ना हों। सही है। अच्छा, ये सारी जितनी भी ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस थी हमारी बाइनरी ट्री की। बाइनरी सर्च ट्री की क्या थी कि उसमें जो भी लेस देन नोड्स होते हैं वो उस करंट नोड से जो भी लेस देन होता है वो उसके लेफ्ट पे जाता है, जो ग्रेटर देन होता है वो उसके राइट पे जाता है। ठीक है, तो एवीएल ट्री जो है वो आपका बेसिकली एक बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रोटेशंस चलती हैं। ठीक है, अच्छा, अब रोटेशंस कैसे चलती हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, देख के बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, और अगर इसका आंसर आता है -1 या 0 या 1, तो यह करेक्ट है, आपका जो ट्री है वो बिल्कुल बैलेंस है। सही है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये मैं क्या बोल रही हूँ, इलस्ट्रेशन से देखेंगे तो और समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस जहन में रखते हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, आंसर अगर -1, 0 या 1 आता है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसके अलावा कुछ आंसर आ रहा है तो हमारा ट्री बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास 3 अल्फाबेट हैं, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। अब किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये बैलेंस है या नहीं है, सही है, इसकी तरफ देख के आप नहीं बता सकते हो कि ये बैलेंस है या नहीं है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है चेक करने के लिए कि ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री हमारे पास इसमें जो है वो लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, लेफ्ट सब ट्री पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसकी हाइट 0 है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी हाइट क्या है, 2 है। ठीक है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 2 हाइट है। सही है, ये इसका आ गया 1 और ये इसकी आ गई 2, और वो खुद क्योंकि एक रूट नोड है तो उसकी हाइट है 0, तो क्या हो गया 1, 2। अब फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री 2, आंसर क्या आया, -2। ठीक है, तो -2 क्या है, हमारा इससे हटके आंसर है, तो हमें पता लग गया कि हमारा जो ट्री है वो बैलेंस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम इन सारी चीज़ों की भी हाइट चेक करते हैं, जैसे ये सी है तो इस नोड की भी हाइट चेक करेंगे, तो लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री इसके दोनों 0, 0 हैं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, यानी ये वाला जो है ये बैलेंस है। बी का भी नोट करेंगे, बी में क्या है, इसकी जो लेफ्ट है वो 0 है और जो राइट है वो 1 है, तो 0 -1, -1 आ गया, तो -1 भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सिर्फ कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट आ रही है -2। अब हम चलाएंगे रोटेशन। ठीक है, ये जो हमारे नोड्स हैं ये कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर है, तो सॉरी राइट साइड पर है, तो इसको बैलेंस करने की रोटेशन चलती है लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, ऑपोजिट ऑपोजिट चलती है, ये राइट पर हैं तो हम रोटेशन चलाएंगे लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन क्या होती है कि ये जो ए है, ठीक है, ये जो ए है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो बी है ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पहले देखें, हमें तो 3 नोड्स मिले थे ए बी सी, अगर हम इसको सिर्फ इसको इन्होंने इस तरह से शेप कैसे दिया है, ये एक बाइनरी सर्च ट्री था। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, लेस देन लेफ्ट पे जाते हैं, ग्रेटर देन राइट पे जाते हैं, ए जो है बी जो है वो ए से ग्रेटर देन है तो इसके राइट साइड पे चला गया, सी जो है वो ए से ग्रेटर देन है फिर बी से भी ग्रेटर देन है तो उसके राइट साइड पे दोनों आ गए। अब ये जो है बैलेंस नहीं था, अब हमें ऐसा कुछ करना है
हमारी रोटेशन भी हो जाए, हमारा जो ट्री है वो बैलेंस भी हो जाए और वो एक बाइनरी सर्च ट्री भी रहे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सी को उठा के बीच में ले गए, यानी सी हमारा ऐसे आ गया, ए जो है वो ऐसे आ गया और बी जो है वो ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हम। हमें कंडीशन ऐसे रखनी है कि बाइनरी सर्च ट्री भी बने और वो एवीएल ट्री भी बने। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी लाजमी आएगा कि एक आपको नोट्स मिल जाएंगे और उन नोट्स को आपको बैलेंस करना होगा। सही है, तो इसलिए हमने रोटेशन चलाई लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन पे क्या हो गया कि ये जो पहला नोड था यानी कि जो रूट नोड था वो आपका चला गया लेफ्ट साइड पे, और जो आपका बी था वो बन गया आपका रूट नोड। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए जो है वो बी से लेस देन है और सी जो है वो बी से ग्रेटर देन है। लेस देन लेफ्ट पर आ गया, ग्रेटर देन राइट पे आ गया। अब हम इसकी करेंगे इस वाले फॉर्मूले से चेक कि ये बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले ए को चेक करते हैं, तो ए के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, राइट पे कुछ नहीं है, 0-0, 0 आ गया। सी पे भी 0-0, 0 आ गया। बी का जो है वो ये हाइट 1 है, ये हाइट 1 है, तो 1-1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कंडीशन हमारी हो गई सेटिस्फाई, यानी कि हमारा ये जो ट्री था ये हो गया बैलेंस। ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछ रहे हैं ताकि हम फिर इससे थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल पे जाते हैं। अच्छा, अब बड़ी वाली एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभी हमने सिर्फ कौन सी रोटेशन की है, लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, अब इसकी आती है चार रोटेशन। एक आती है जो कि हमारा होता है लेफ्ट से राइट पे। ठीक है, ये वाली जो रोटेशन होती है उसको लेफ्ट रोटेशन या फिर लेफ्ट टू राइट रोटेशन कहते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, सॉरी सॉरी, राइट से लेफ्ट पे जा रहा है। ये सिंपल लेफ्ट रोटेशन थी, सॉरी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, वो बड़ी एग्जांपल में होती है। अच्छा, ये थी लेफ्ट रोटेशन जहाँ राइट से लेफ्ट पे जाते हैं। एक होती है राइट रोटेशन जहाँ राइट से लेफ्ट पर आते हैं। फिर एक राइट टू राइट रोटेशन होती है, फिर एक लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। सही है, ये सारी आ गई, राइट लेफ्ट रोटेशन, राइट लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन, दो ही टाइप्स लिखी हुई हैं, दो और भी होती हैं। चलो आप लोग यही दो कर लेना, क्योंकि टीचर ने बोला है कि उन्होंने जो पढ़ाया है वही देंगे, उससे ज्यादा नहीं, तो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट छोड़ देंगे। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस तरह का क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट दी फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इंटू एन एवीएल ट्री स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी ट्री। सही है, आपको एक एम्प्टी ट्री दिया गया है और उस पर कहा गया है कि इसको आप सीक्वेंस पे इंसर्ट करो इन नंबर्स को एक एवीएल ट्री में। ठीक है, यानी कि आपका वो ट्री जो है वो बाइनरी सर्च भी होना चाहिए, यानी लेस देन लेफ्ट पर हो और ग्रेटर देन राइट पर हो, और वो एवीएल ट्री भी होना चाहिए यानी कि बैलेंस ट्री होना चाहिए। और फिर एंड में कहा कि डिलीट 30 इन दी एवीएल ट्री, और फिर उसमें इस नंबर को डिलीट भी करना है। तो पहले आपने ट्री बनाना है, तो ट्री कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारे पास नंबर है 10, तो 10 को कर दिया यहाँ पे इंसर्ट। ठीक है, 10 के बाद नंबर है 20। ठीक है, तो 20 क्या है, 10 से बड़ा है, तो इसको राइट साइड पे इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास नंबर कौन सा आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, अब 15 जो है वो 10 से बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है, तो इसकी कुछ इस तरह से आ गया, इस तरह से बन गया हमारा ट्री। अच्छा, अब जब भी कोई भी नंबर इंसर्ट करते हैं, जब भी हमेशा उसका जो है वो जो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री है उस वाले फॉर्मूले से हमेशा उसको चेक करते हैं, ताकि आप जैसे जैसे ट्री बनाते जाएं उसको बार बार चेक करते जाएं। सही है, तो जब हमने 10, 20 ऐड किया, चेक किया तो बैलेंस आता, जब 15 ऐड किया तो हमने चेक किया कि इसकी जो लेफ्ट है वो बन रहा है 0 और राइट बन रहा है 2। तो जब इसको किया तो ये क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है,
इस पे भी अगर हम चेक करें तो ये जो है 20 का क्या आ रहा है, 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 आपका आ गया 1, जो कि करेक्ट है, लेकिन जब हम 10 पे जा रहे हैं तो वो करेक्ट नहीं हो रहा, लेवल 0 पे करेक्ट नहीं हो रहा। तो अब हमें रोटेशन चलानी है। रोटेशन क्या चलाई है? रोटेशन चलाई है लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट चलाई है, यानी ये जो 15 है ना वो यहाँ से कट के यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 50। ठीक है, लेकिन ये अभी भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको हमने करना है बैलेंस। तो क्या किया, यहाँ पे लेकर आए, फिर यहाँ से, हाँ, ट्वेंटी को ऊपर लेके जाएंगे। 20 छोटा छोटा नहीं, मैंने की थी एग्जांपल सॉल्व। 15 यहाँ पर आएगा और फिर 15 ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे किया है, एक मिनट रुकिएगा। रोटेशन एक्शन, यहाँ पे कैसे गया? डबल रोटेशन हुई है। ये 15 20 इधर आया, 20 नीचे नीचे आया। हाँ, 20 की तरफ तो आया, लेकिन ऊपर कैसे गया मैं, यानी कि यहाँ पे कैसे आया? यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैंने ये सॉल्व। हाँ जब हम राइट जाएंगे ना तो 15 20 की जगह पे आएगा, और 20 उसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो 20 बड़ा है ना 15 से। दैट्स व्हाई सीधा पे आएगा। सही हाँ सही सही है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप हुआ है उसमें उन्होंने वो और एलिमेंट ऐड कर दिए, फिर वो कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है वो थर्ड स्टेप में, जो इसके बाद बराबर में जो लिखा हुआ है ना। सही है सही है, थैंक यू सो मच मुकर्रम। सही है, इस पे रोटेशन की है, जैसे हमने वहां पे ए बी सी पर रोटेशन की थी, तो बी जो है वो रूट बन गया था, ए जो है उसके लेफ्ट पे आ गया था, सी जो है उसके राइट पर आ गया था। इसी तरह से इस पे जब रोटेशन की तो जो 15 है, अगर हम उसको एक सब ट्री लें तो 15 जो है वो यहाँ पे इसका रूट नोड बन गया, और 20 जो है वो इसके राइट पे चला गया क्योंकि उससे बड़ा था। और फिर इस पे जो है वो राइट रोटेशन की है, सॉरी लेफ्ट रोटेशन की है, जहाँ पे 10 इसके लेस देन था तो लेफ्ट साइड पे चला गया, 20 इसके ग्रेटर देन था तो राइट साइड पे चला गया। अब हमने ऐड किया है 25 एलिमेंट, और जब ये करने के बाद इस वाले पार्ट को चेक किया तो बैलेंस राइट आ रहा था। अब हमने ऐड किया है 25, 25 को जब ऐड किया तो बैलेंस राइट आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब हमने 30 को ऐड किया तो 30 पे बैलेंस राइट नहीं आ रहा था। ठीक है, बैलेंस राइट नहीं